सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये एक सरप्राइज बॉक्स, जो कि गाइस मुझे मेरे भैया ने भेजा है। ये अमेजोन से उन्होंने मुझे सीधा डिलीवरी की है। तो मैं हैरान था, उतने में मेरे भैया का फ़ोन आया कि है ना, कोई गिफ्ट मैंने तुम्हें भेजा है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। काफ़ी भारी बॉक्स है, अमेजोन का है। तो अभी तक मैंने ये पीछे यहाँ पे पढ़ा नहीं है कि क्या है, तो एक बारी मैं गाइस, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या है। तो गाइस अभी तो इसको खोलकर ही पता लगेगा। गाइस आज मैं कैंची भी साथ लेकर बैठा हूँ, वरना है ना मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ और फिर मुझे जाकर कैंची उठाकर फिर से वापस आना पड़ता है। तो अभी खोलना शुरू करते हैं। वैसे गई आजकल मैं वीडियो इसलिए कम बना रहा हूँ क्योंकि इस बारी पेपर ज़रा जल्दी है, मतलब तो है ना इस बारी सिलेबस भी ज़्यादा है तो उसमें टाइम ही नहीं मिलता। मैं आपको मेरा शेड्यूल बताता हूँ। तो मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं 2:30 पे स्कूल से वापस नहीं आता, वहीं पे फुटबॉल क्लास लगाता हूँ और फुटबॉल क्लास मेरी 3:30 पे ख़त्म होती है और वहाँ से सीधा ट्यूशन, और ट्यूशन से फिर मैं 6 बजे घर पर आता हूँ। तो कुछ ब्लॉग बनाने का टाइम तो मिलता नहीं है और भी वीडियो, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो सोचा कि बॉक्स भी आया हुआ तो इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। ये जिसको खोलना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो गाइस कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर ये बबल रैप किया हुआ है, ये बॉक्स है। तो इसको निकाल के देखता हूँ। गाइस मुझे तो बबल रैप मिल गया। तो गाइस अभी हम इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, उल्टा करना पड़ेगा गाइस बॉक्स को। तो गाइस ये है, तो गाइस ऐसा कुछ बॉक्स है। और गाइस मुझे अभी पता लग गया है कि ये क्या है, तो आपको मैं बताऊं। तो गाइस ये है हैरी पॉटर के सभी पार्ट्स, बुक पार्ट्स। ये देखिए गाइस हैरी पॉटर लिखा हुआ है। जल्दी से इसको मैं आपको खोल के देता हूँ। गाइस मैंने कुछ ही दिन पहले, मतलब पिछले साल दिसंबर में, एक हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट मंगाया था बुक का। तो मैंने भैया को भी भेजा था कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो लगता है वो मेरी इस वाली जो एक्टिविटी है उससे बहुत खुश है। और उन्होंने सभी पार्ट भेज दिए गए, सभी, इसमें सभी 7 के 7 पार्ट्स हैं हैरी पॉटर के। तो जल्दी से खोलते हैं। तो गाइस ये हैं 7 पार्ट हैरी पॉटर के। ये गाइस ऐसे सीधे कैसे हैं गाइस, ये नहीं पता लग रहा। चलिए ऐसे सीधे भाई, ये वाला कितना बड़ा पार्ट है, ये जो 5th पार्ट है देखना, सबसे मोटा ये 5th पार्ट। मुझे लगा सबसे बड़ा 7th होगा क्योंकि 7th की मूवीज भी 2 बनी है ना। गाइस चलिए इसके ऊपर वाला रैपिंग भी हम हटा देते हैं, पहले ये बबल रैप साइड पे रख देता हूँ। गाइस ऐसा करने में बहुत मजा आता है। चलो गाइस हम इसको खोलते हैं। इस पे काफी मिट्टी लगी हुई है और बुक्स भी ठीक है, मतलब मिट्टी काफी लगी हुई है, साफ करनी पड़ेगी। तो गाइस ये है हैरी पॉटर के पार्ट्स सभी। तो गाइस मैं आपको सभी बुक्स के पार्ट के नाम भी बताता हूँ। तो गाइस फर्स्ट है फिलोसफर ऑफ द स्टोन, ये मेरे पास पहले से है। गाइस इस पे अलग है, मतलब थोड़ा सा है ना छोटा सा है,
मैं गाइस आपको मेरे वाला लाकर दिखाता हूँ जो मेरे पास है, एक मिनट। तो गाइस मैं इसको वापस ले आया। तो गाइस ये देखिए, आप खुद ही डिफरेंस पता कर सकते हैं। ये 25 ईयर स्पेशल एडिशन है जो गाइस होता है 25 ईयर्स, इसको 25 ईयर्स हो गए ना। और ये है डार्क से गाइस काफी। और ये देखिए पीछे आउल का कलर भी आप देख सकते हैं, साफ साफ डिफरेंस पता लगता है। और गाइस फर्स्ट है फिलोसोफर ऑफ द स्टोन्स, और गाइस ये है सेकंड चेंबर्स ऑफ द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। उसके बाद गाइस ये आता है थर्ड पार्ट, ये है प्रिजनर ऑफ एस्केबन। वैसे तो गाइस मुझे ये सारे पार्ट के नाम याद है ऐसी, मतलब मैंने 5-6 बारी हैरी पॉटर की मूवीज देखी हैं, अभी मैं नॉवल भी पढ़ रहा हूँ। और अगला है गॉबलेट ऑफ द फायर, ये भी गाइस बहुत मोटा पार्ट है, देखना इसको पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। और गाइस सबसे बड़ा पार्ट है ये फिफ्थ, और ये है इसका गाइस मैं फोर्थ से आगे पार्ट के नाम कई बार भूल जाता हूँ, और ये है ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। तो गाइस ये बहुत बड़ा है ये वाला पार्ट। और उससे अगला पार्ट है गाइस, ये मुझे लगता है डब्बा ना टूट गया तो उसको यहाँ पे रखते हैं। और उससे अगला पार्ट है हाफ ब्लड प्रिंस, और सबसे आखिरी पार्ट है ये वाला डेडली हैलोज। तो एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ सभी पार्ट। ये देखना यहाँ पे इसकी मिट्टी लगी हुई, मतलब ये काफी टाइम से पड़ा था उनके पास जहाँ से भी है। तो गाइस ये है सेवंथ, साथ के साथ मैं डब्बे में भी इसको रखता जाता हूँ। उसके बाद गाइस ये है सिक्स्थ पार्ट, हाफ ब्लड प्रिंस। और उसके बाद गाइस ये है फिफ्थ पार्ट, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। और उसके बाद गाइस ये है गाइस का जो आगे वाली पिक्चर है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, गॉबलेट ऑफ द फायर। और उसके बाद गाइस ये है प्रिजनर्स ऑफ एस्केबान, ये भी गाइस अच्छी है, मतलब आगे वाला इसका पेज। उसके बाद गाइस ये है चेंबर्स ऑफ द सीक्रेट, और गाइस उसके बाद है सबसे आखिरी और सबसे पतली, जो मेरी वाली जो रीजन जो मैंने एक बुक मंगाई थी ना उससे भी गाइस ये मुझे पतली लग रही है, ये देखिए एक मिनट। गाइस देखता हूँ ये वाली इसमें आती है, अगर ये वाली इसमें आ गई तो इसका साइज सेम है। गाइस ये अच्छे से नहीं आ रही है, मतलब ये थोड़ी सी बड़ी है जो अलग मंगवाई है मैंने, और ये वाली थोड़ी सी पतली है, तो इसको भी हम अभी इसमें रख देते हैं। गाइस इसको डालना मतलब इसको इस बुक में ऐसे रखना बहुत मुश्किल है, पता नहीं गाइस जा ही नहीं रही है अंदर ही। गाइस इसको अच्छे से रखना पड़ेगा सर। गाइस मुझसे नहीं है अंदर जा रही, बाद में मैं कोशिश कर लूंगा। तो गाइस ये सभी नॉवेल्स जेके रोलिंग ने लिखी हैं। तो पहली नॉवेल जो मैंने ये पढ़ी थी, 2 महीने लगा लीजिए आप, 2 महीने से नहीं 1 महीने से ज़्यादा शायद आप लगा लीजिए, 1 महीना 15 दिन। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं फिफ्थ बुक कितने टाइम में पढ़ूँगा, 4-5 महीने तो इसको पढ़ने में लग जाएंगे। तो गाइस मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा जो मेरे भैया ने भेजा है,
तो गैस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, बाय बाय।